नाम फैलाएं और उनको सम्मानित करेंगे हमारे फेडरेशन के महासचिव शेख मोहम्मद जावेद साहब। ये परंपरा है क्योंकि योग्य पुत्र ही जो पिता का संस्कार है, ये समाज को नेतृत्व करने में बखूबी निभा रहे हैं। महिला फुटबॉल टीम जो एक गांव-गांव से जिला से बच्चों को चुन करके उनको प्रदेश तक पहुंचाना और उनको भारतीय खेल के लिए तैयार करना, ये फेडरेशन का बिल्कुल जरूरी है। और ईश्वर ने जब कासिम अंसारी साहब को बनाया होगा तो जरूर कुछ सुरूर सा उनके दिल में आया होगा, सोचा होगा भाई इस जमशेदपुर को क्या तोहफा दें, तब जाके और इनके ऊपर में है जिम्मेवारी फिर से नई शुरुआत का। जी हाँ, मोहम्मद जावेद साहब जो कि कर रहे हैं स्वागत, जो कि हैं जनरल सेक्रेटरी, बिल्कुल हम उनके भी आभारी हैं कि वो हमारे साथ में बने। हम जन देश के वासी हैं, प्यार का तोहफा आपसे भी आग्रह है। अध्यक्ष जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। आज एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है आपके फेडरेशन की, और क्या कहना चाहेंगे आज इस मीटिंग में? एनुअल मेन मीटिंग था कि जो हमारे फाउंडेशन के WFFI के जो फाउंडेशन के जो कृष्णा से उनका श्रद्धांजलि किया गया, उसके बाद से जो ये फाउंडेशन का जो भी कमेटी थी उसको डिजॉल्व करके नई कमेटी बनाई गई। उसके लिए हम पूरा आल डेलीगेट्स झारखंड आल इंडिया के जितने भी डेलीगेट्स उसको बधाई देते हैं, और आप हमारे मीडिया चैनल को भी थैंक्स बोलेंगे कि सब लोग आपको कवरेज करें। जी, तो आने वाले दिनों में एसोसिएशन की तरफ से क्या कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं जो करना चाहते हैं आने वाले दिनों में? अभी तो नया कमेटी बनी है जिसके हम मोहम्मद कासिम अंसारी जो चेयरमैन चुने गए, इलेक्टेड चेयरमैन है, ठीक है, और उसके साथ हमारे प्रेसिडेंट जो दिल्ली के मुकेश शर्मा और ज्वाइंट सेक्रेटरी जावेद जी छत्तीसगढ़ से कोरबा से है, इसको मिलाकर पूरा आल नई टीम को एक नया मीटिंग करके, नया जो जनरल मीटिंग हुई है इसको करके हम लोग स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज और रूरल जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे बच्चियां हैं, जो गरीब बच्चियां हैं जिसको जानकारी नहीं है स्पोर्ट्स के, बहुत ऐसे जानकारी नहीं है, चाहत है लेकिन उनको कोई सुविधा नहीं, कोई प्लेटफार्म नहीं है, उसको रूरल में ब्लॉक वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज कर करके तैयार करके प्रतियोगिता को उस लेवल पर लेके जाया जाएगा, और अच्छे से जो भी टॉप प्रतियोगिता होगा उसको हम लोग फीफा में ले जाने की कोशिश करेंगे। जी, तो ये वुमेन्स जो प्लेयर्स हैं खासकर इस बार ओलंपिक में मैंने देखा कि बड़े सारे मेडल्स भारत को आए, तो क्या आपकी तैयारी रहेगी ऐसी कि हमारे एकदम एकदम हमारा जुबली है 2025 में 50 ईयर्स हो जाए 50 ईयर्स हो जाएगा उसमें हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में जितना भी वुमेन्स से लेके जाएंगे हम लोग जहाँ पे भी ओलंपिक होगा उसमें तैयार करके हम लोग रूरल डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट वाइज और इंडिया लेवल ले जाके और हम लोग लेके जाएंगे। जी, तो क्या कहना चाहेंगे सभी प्लेयर्स को, सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी प्लेयर्स को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि वुमेन्स फुटबॉल फेडरेशन से अच्छे से जुड़े, अपना नाम दर्ज कराए, जो फेडरेशन से सुविधा होगा, जो भी उनके घर वाले डरते हैं कि हमारी बच्ची कहीं जाएगी तो कुछ है, सुरक्षा के साथ सारा चीज किया जाएगा, उनको प्रतियोगिता को उस लेवल पहुंचाया जाएगा। जी, आने वाले दिनों में झारखंड वुमेन फुटबॉल एसोसिएशन एक समझिए कि झारखंड के लिए गौरव भी बनता जा रहा है। बहुत बड़ा ये गौरव है झारखंड के लिए, आदिवासी ये रूरल आदिवासी जो बच्चियां हैं जिसमें उस लेवल का क्षमता है जी, उसके लिए हम लोग तैयार करेंगे और कर करके स्पोर्ट्स से एक नौकरी भी मिलेगी, सरकारी रेलवे में है स्पोर्ट्स से, हम लोग जहाँ नहीं मिला उसमें लड़ेंगे भी फेडरेशन के तरफ से, बच्चियां जो स्पोर्ट्स में उस लेवल पर जाएंगे उनको लड़ करके फेडरेशन के तरफ से हर जगह नौकरी भी दिलाया जाएगा, कारपोरेट में भी स्पोर्ट्स से हर जगह है, जो जिनको नहीं जानकारी है करके फेडरेशन हमारे लिए एकदम रेडी रहेगा, हमारा पूरा फेडरेशन वुमेन्स फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया तैयार है सारे बच्चियों के लिए सुरक्षा और खेल के लिए और इस देश के नाम करने के लिए। जी, तो क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आपका फेडरेशन मीट कर रही है, इसको जरूरी है कि उसको दूर करना जरूरी है? चैलेंजेस ये है कि हमारा कुछ था, ये हमारे प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे,
चैलेंजेस के लिए कि कुछ था उसको खामियां दूर किया जा रहा है। अब हर चीज तो नहीं बताया जाएगा लेकिन था उसको दूर किया जा रहा है जी। क्या कमेटी जो गठन हुआ है उसको कम्प्लीट करेगा और अच्छे लेवल जी। प्रेसिडेंट साहब क्या चैलेंजेस थे? देखिए लीगल कुछ चीजें हैं जैसे फीफा की गाइडलाइन थी और वो प्रिय रंजन दास मुंशी के टाइम पे जो है उनको दो लोगों ने तय कर दिया था जिसके खिलाफ हम गए नहीं और बहुत सारी चीज़ें उसके बीच में आई। अब कृष्णा जी नहीं रहे, मुझे दायित्व सौंपा गया तो ये हम इसको लीगलाइज करने जा रहे हैं। जो हमारा हक था इंडिया के अंदर जो स्टे हुआ था, जो गवर्नमेंट एड हमें नहीं मिलती, तो हमारा कोर्ट में जाके जो है इंडिपेंडेंट एजेंसी के रूप में और जो फीफा की गाइडलाइन है कि वो इंटरनेशनल जो पार्टिसिपेट है वो हम एक घंटे के नीचे जाएंगे तो वो हमारा तय करना होगा कोर्ट के ऑर्डर के बाद। तो लीगलाइज हम इसको ठीक करेंगे। हम इसमें 33% महिला लेके आ रहे हैं और महिला सुरक्षा की जो बात है वो तो हम पहले से करते हैं और ज़्यादा उस पर ध्यान देंगे। और सभी जो प्लेयर्स हैं इंटीरियर से लेके शहरी कर और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर मान लो एक शहर के अंदर एक सिटी के अंदर 33 जो है जिले हैं तो 33 में दो गुना नहीं तो तीन गुना तीन जो है एकेडमी या क्लब जरूर होगी जिससे बच्चों को इस खेल के प्रति बढ़ावा मिले। भारतीय महिला फुटबॉल महासंघ और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, खासकर इस बार बहुत गोल्ड मेडल आए, बहुत सारे मेडल्स आए ओलंपिक में, भारत का गौरव हुआ, क्या कहना चाहिएगा? क्योंकि आज जमशेदपुर नगरी में एक कार्यक्रम था और आप बहुत दूर से चलकर आई और खेल को बढ़ावा देने के लिए आपने रोल प्ले किया, क्या कहेंगे आप? देखिए ये जो महिला फुटबॉल फेडरेशन है 50 साल पुरानी संस्था है, इसको काफ़ी टाइम से ये काफ़ी स्ट्रगल भी किया है इस टीम ने, इस फेडरेशन ने आगे बढ़ने के लिए। हम चाहते हैं कि इस फेडरेशन को एक नाम मिले देश में, सारी महिलाएं इस जो भी फुटबॉल फेडरेशन में जुड़ना चाहती हैं विभिन्न स्टेट से आके, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग, हमारी टीम, आज ये नई टीम का गठन हुआ है। इसी उद्देश्य से इस टीम का गठन किया गया है कि हम हर राज्य में इस महिला फेडरेशन को आगे बढ़ाएं और देश में इस महिलाओं को उस लेवल तक पहुँचाएं कि वो देश के साथ साथ विदेशों में भी अपना एक नाम भारत का छोड़ के आए। जी क्या आप सलाह देना चाहेंगी उन प्लेयर्स को जो आपके एसोसिएशन से जुड़ना चाहती हैं? मैं उन लोगों को यही सलाह देना चाहती हूँ कि अगर आप में वो जज्बा है और आप वर्ल्ड लेवल पे एक अच्छा प्लेयर बन सकती हैं तो हमारी इस फेडरेशन से आगे होके जुड़िए और अपने आप को देश के साथ साथ विदेश में भी अपने देश को गौरवान्वित कीजिए। आप फुटबॉल फेडरेशन से जुड़े हैं और आप बहुत बेहतरी से प्लेयर्स को, खिलाड़ियों को एक बेहतर अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं और उनके साथ एक अच्छी जीवन के साथ साथ एक देश के नाम को भी, देश के गौरव को भी ऊंचा करने का मौका मिलता है, क्या कहेंगे आप? सर जो मौका मिलता है उसको हम सही ढंग से निभाएंगे, हम ये मेरा ये कर्तव्य है, सोशल काम पूरा करेंगे और जो देश में नाम हो और हमारे चेयरमैन का भी नाम हो, WFFI का नाम हो, ये हम दिल से ये कर रहे हैं जी। क्या सलाह देना चाहेंगे आप सभी खिलाड़ियों को? सलाह ये देना चाहेंगे कि लगन से काम करें, खेले और नाम ऊंचा करें, हमारे झारखंड पूरे इंडिया का नाम करें, इंटरनेशनल खेल खेले। हम यही सलाह देंगे कि अच्छा से अच्छा ही करें। धन्यवाद मैडम, अपना परिचय बताओ। मैं डॉक्टर संध्या ठक्कर हूँ और फेडरेशन में मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट अपॉइंट हुई हूँ और दिल्ली से मैं बिलोंग करती हूँ और चाहती हूँ कि हर फीमेल को आगे होके इस पार्ट फेडरेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाना पड़ेगा और आगे होके इस काम को करना पड़ेगा। तो सारी फीमेल फुटबॉल प्लेयर्स इस ऑर्गेनाइजेशन से जितनी जल्दी जुड़ सकती हैं जुड़िए, हम उनका वेलकम कर रहे हैं और हर स्टेट महिला को हम मोटिवेट कर रहे हैं कि आप आइए और हमें अप्रोच कीजिए और इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनिए। अपना परिचय। मेरा नाम मोहम्मद जमाल, टाटा से रिटायर्ड हैं, टाटा स्टील से, और अभी WFFI में जुड़े हैं एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर। धन्यवाद।